हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूर्या क्लासेस। आई एम सूर्यजीत मौर्य। हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं एडिशनल डिप्रिसिएशन के बारे में। देखिए क्या होता है कि इनकम टैक्स एक्ट में नॉर्मल डिप्रिसिएशन के अलावा में नॉर्मल जो हमारा नॉर्मल डिप्रिसिएशन दिया जाता है ना, उसके अलावा भी एक डिप्रिसिएशन दिया जाता है जिसे हम कहते हैं एडिशनल डिप्रिसिएशन। और कहा गया एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट सभी को नहीं मिलेगा, सभी अंडरटेकिंग या सभी एसएससी को नहीं दिया जाएगा और ना ही सभी एसेट पर आपको दिया जाएगा। तो एडिशनल डिप्रिसिएशन के बारे में बता दिया गया है कि केवल वह केवल एडिशनल डिप्रिसिएशन किसे दिया जा सकता है। कहा गया अप्लीकेबिलिटी, एडिशनल डिप्रिसिएशन इज अप्लीकेबल ऑन ऑल एसएससी engaged in the business of manufacturing or production of any article or things, or in the business of generation, transmission or distribution of power। अगर कोई एसएससी किसी प्रोडक्ट का क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है या उसका प्रोडक्शन करता है, और उसके लिए अगर वह कोई एसेट परचेज किया हुआ है तो उसे एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। कहा गया अगर कोई एक पावर जनरेटिंग यूनिट है या पावर जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है या ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, अगर कोई अंडरटेकिंग है जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करती है तो उसे भी एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट अवेलेबल होगा। तो हमने क्या देखा, एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट केवल वह केवल उस एसएससी को मिलेगा जो किसी प्रोडक्ट या आर्टिकल का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई बिजनेस है जो कि एक एसएससी है जो कि पावर के जनरेशन या ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन में एंगेज है तो उसे भी एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने होंगे। कौन कौन से कंडीशन? पहला कंडीशन बता दिया गया है, एसएससी मस्ट बी एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग विच मैन्युफैक्चर्स और प्रोड्यूस एनी आर्टिकल और थिंग्स। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होना चाहिए, एसएससी कौन होना चाहिए, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होना चाहिए। तो अगर कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है जो कि क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन का कार्य करते हैं किसी प्रोडक्ट या थिंग्स की क्या या आर्टिकल का, तो अगर वह या साथ ही साथ इसके बाद भी बता दिया गया है, अगर कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है जो कि कोई बिजनेस है जो कि पावर का जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन करता है तो उसे भी एसेट पर एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड पॉइंट, एसएससी एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड आफ्टर 31 मार्च 2005 ए न्यू प्लांट और मशीनरी अदर देन फॉलोइंग। कहा गया एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट केवल वह केवल न्यू प्लांट पर दिया जाएगा। मीन्स न्यू प्लांट का मीन्स कि जो एसेट फर्स्ट टाइम यूज की जा रही है इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया है। सपोज करिए कोई एसएससी है, अगर वह सेकेंड हैंड एसेट परचेज करता है तो क्या उसे एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट अवेलेबल होगा? कहा गया नहीं, क्योंकि प्लांट या मशीनरी क्या होनी चाहिए, केवल वह केवल प्लांट एंड मशीनरी पर ही आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। इस बात को भी आप ध्यान रखिए, केवल वह केवल प्लांट एंड मशीनरी पर भी मशीनरी पर ही आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन का मिलना बेनिफिट मिलेगा। डैट मीन्स कि आप अगर बिल्डिंग खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं या अदर चीज परचेज करते हैं तो आपको उस पर एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, तो हमने क्या देखा, कोई एसएससी अगर न्यू एसेट
न्यू एसेट परचेज करता है किसके पर्पस से, मैन्युफैक्चर करने के पर्पस से या प्रोडक्शन करने के पर्पस से, किसी आर्टिकल किसका, किसी आर्टिकल और थिंग का, और यह एसेट परचेज की गई होनी चाहिए आफ्टर 31 मार्च, यानी यह न्यू एसेट जो परचेज की गई है 31 मार्च 2015 के बाद, 2005 के बाद परचेज की गई होनी चाहिए, ठीक। लेकिन कहा गया प्लांट एंड मशीनरी में हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट और एनी प्लांट और मशीनरी विच वॉज यूज इधर विद इन और आउटसाइड इंडिया बाई एनी अदर पर्सन बिफोर सच इंस्टॉलेशन, मतलब सेकेंड हैंड एसेट की बात की जा रही है, तो सेकेंड हैंड एसेट यूज एसेट पर आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, एनी प्लांट और मशीनरी इंस्टॉलेड इन ऑफिस प्रीमाइसिस, यानी हमने क्या देखा, प्रोडक्शन के पर्पस से मैन्युफैक्चर करने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए अगर प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल किया गया होगा तो आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपने ऑफिस प्रीमाइसिस में अगर प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल किया है या रेसिडेंटियल एकोमोडेशन या गेस्ट हाउस में आपने किसी प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल किया है तो वहां पर आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा। एनी ऑफिस अप्लीयंसी और रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जो रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल होती है वो भी हमारे प्लांट एंड मशीनरी में ही कवर किए जाते हैं, या कोई ऐसा अप्लीयंसी जो ऑफिस पर्पज में यूज होता है तो उस पे भी आपको, जैसे ठीक है, जो ऑफिस में यूज हुआ हो रहा हो, जैसे फ्रिज है, ठीक है, फ्रिज या एसी कूलर जो यूज हो रहा है ऑफिस में, तो उस पर आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऑफिस में फर्नीचर यूज हो रही है तो फर्नीचर पर तो ऐसे भी बेनिफिट नहीं मिलेगा एडिशनल डिप्रिसिएशन का, एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट केवल प्लांट एंड मशीनरी पे ही दिया जाएगा। एनी प्लांट और मशीनरी विच इज अलाउड फॉर 100% ऑफ डिडक्शन वेदर बाई वे ऑफ डिप्रिसिएशन और अदरवाइज, और उस एसेट पर जिस पर 100% डिडक्शन उस ईयर में ही रिसीव्ड कर लिया जाता है जिस ईयर में यह एसेट परचेज की गई हो, तो उस पे भी अगर आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे अगर साइंटिफिक पर्पज में अगर हमने कोई एसेट परचेज किया, एक कोई कैपिटल एसेट परचेज किया जो कि हमारा क्या है, प्लांट है, तो कहा क्या, अगर साइंटिफिक पर्पज पर अगर हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो उस पर 100% डिडक्शन हमें उस ईयर में ही, उस प्रीवियस ईयर में ही अलाउड कर दिया जाता है जिस प्रीवियस ईयर में हम परचेज किए होते हैं। तो कहा गया उस एसेट पर जिस पर 100% डिडक्शन उसी प्रीवियस ईयर में अलाउड कर दिया जाता है जिस प्रीवियस ईयर में वह एसेट परचेज की जाती है, तो उस एसेट पर भी आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। टैक्स पॉइंट, कहा गया एडिशनल डिप्रिसिएशन शैल बी अवेलेबल ओनली ऑन प्लांट एंड मशीनरी, हो ठीक है, एडिशनल डिप्रिसिएशन किस पर दिया जाएगा, केवल वह केवल प्लांट एंड मशीनरी पर ही दिया जाएगा। इनटेंजिबल एसेट, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर एंड फिटिंग, इन सब पर एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं दिया जाएगा। एंड नॉट ऑन अदर एसेट लाइक फर्नीचर बिल्डिंग, फर्नीचर बिल्डिंग पर आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, या इंटेंजिबल एसेट की हम बात करें तो उस पर भी आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। किस रेट से आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट अवेलेबल होगा, कहा गया रेट ऑफ एडिशनल डिप्रिसिएशन, रेट ऑफ एडिशनल डिप्रिसिएशन, रेट ऑफ एडिशनल डिप्रिसिएशन इज 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच प्लांट एंड मशीनरी, जो भी एक्चुअल कॉस्ट इस प्लांट एंड मशीनरी का एसएससी को आया होगा उसका 20% एज ए एडिशनल डिप्रिसिएशन अलाउड किया जाएगा। कहा गया केवल वह केवल 20% वन टाइम आपको डिप्रिसिएशन मिलेगा एडिशनल डिप्रिसिएशन,
ऐसा नहीं है कि जैसे हम डिप्रिसिएशन प्रत्येक प्रीवियस ईयर में कैलकुलेट करते हैं तो एडिशनल डिप्रिसिएशन भी हमको एक ही एसेट का बार बार मिलता रहेगा हर प्रीवियस ईयर, नहीं केवल केवल उस प्रीवियस ईयर में मिलेगा जिस प्रीवियस ईयर में आपने एसेट को परचेज किया है। कितना कहाँ तक मिलेगा? 20% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट टू द एसेसी। पॉइंट बताया गया यहाँ, वेयर इफ द एसेट इज एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डे देन एडिशनल डिप्रिसिएशन रिस्ट्रिक्टेड टू 10%, 20% ऑफ 50% ऑफ द 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट शैल बी अलाउड इन दैट प्रीवियस ईयर एंड द डिडक्शन फॉर द बैलेंस 10% शैल बी अलाउड इन द इमीडिएटली सक्सेडिंग प्रीवियस ईयर। इसका मतलब यह है कि जैसे देखिए, सपोज करिए कि हमने प्रीवियस ईयर 18-19 में एक न्यू एसेट परचेज किया, किसकी पर्पस से? प्रोडक्शन के पर्पस से या मैन्युफैक्चर के पर्पस से। उसकी कॉस्टिंग आई कितनी? 10 लाख रुपीज उसकी कॉस्ट पड़ी हुई है एसएससी को। तो कहा गया कि इस एसेट को जिस प्रीवियस ईयर में यह एसेट परचेज की जा रही है, अगर उस प्रीवियस ईयर में यह एसेट पुट टू यूज की गई है, क्या पुट टू यूज यूज की गई है लेस देन 180 डे या हम कहेंगे 180 डे और मोर, ठीक। तो कहा गया इन द केस ऑफ इफ एसेट यूज एंड पुट टू यूज लेस देन 180 डे दी एडिशनल डिप्रिसिएशन शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 10%, ठीक। तो हम इस एडिशनल डिप्रिसिएशन हमें कितना मिलेगा? 20%। लेकिन अगर एसेट लेस देन 180 डे यानी 180 दिन से कम यूज की गई होगी, तो आपको केवल वह केवल इस 20% का अलाउड किया जाएगा। कितना? 50%, यानी 10% ही आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। और नेक्स्ट प्रीवियस ईयर 1920 में आपको जो 10% का डिप्रिसिएशन अभी रह गया है, 20% का मिलेगा, 10% का आपको अलाउड हुआ है, और जो 10% बचा हुआ है आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन वो अगले प्रीवियस ईयर में दिया जाएगा, अलाउड किया जाएगा, ठीक है। 10% 10% किसका? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट। एक्चुअल कॉस्ट कितना है? 10 लाख रुपीज। तो 1 लाख जिस प्रीवियस ईयर में परचेज किया गया उस प्रीवियस ईयर में, और 1 लाख अगले प्रीवियस ईयर में अलाउड कर दिया जाएगा एज ए एडिशनल डिप्रिसिएशन। और कहा गया नॉर्मल डिप्रिसिएशन भी इस पर दिया जाएगा। सपोज करिए नॉर्मल, अगर नॉर्मल डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% है, तो 10% चूंकि ये जिस प्रीवियस ईयर में न्यू एसेट परचेज की जाती है, अगर उस प्रीवियस ईयर में वह एसेट यूज की जाती है लेस देन 180 डे, तो हमारा नॉर्मल डिप्रिसिएशन भी 50% ही होगा। मीन्स नॉर्मल डिप्रिसिएशन को हम 50% से रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, यानी 10% अगर नॉर्मल डिप्रिसिएशन हो जाएगा तो 10% का 50% कितना होगा? 5% हम नॉर्मल डिप्रिसिएशन ही अलाउड करेंगे, हमने उसको पहले ही देख लिया है, ठीक। अब लेकिन कहीं कहीं एडिशनल डिप्रिसिएशन कितना होता है? 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट टू द एसएससी। लेकिन कहा गया नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया के लिए, नोटिफाइड बैकवर्ड जो कि बहुत पिछड़े हुए हैं अभी, कोई जो कि बहुत पिछड़ा हुआ कोई एरिया होता है, अगर उसमें कोई बिजनेस, उस एरिया में कोई बिजनेस इंस्टॉल की जाती है किसके पर्पस से? मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोडक्शन करने के पर्पस से, तो आपका एडिशनल डिप्रिसिएशन 20% से बढ़कर 35% तक हो जाएगा, ठीक है। कहा गया स्पेशल रेट ऑफ एडिशनल डिप्रिसिएशन इन केस ऑफ नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया, जो कि बहुत पिछड़े हुए होते हैं, एडिशनल डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 35% शैल बी अलाउड इफ फॉलोइंग कंडीशन और सेटिस्फाइड। कहा गया
एसएससी सेट 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 ऑफ एन अंडरटेकिंग और इंटरप्राइजेस फॉर मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग्स सच अंडरटेकिंग और इंटरप्राइजेस शुड बी सेट ऑफ ऑन और आफ्टर फर्स्ट अप्रैल 2015। ठीक है, एक डेट आपको ख्याल रखना होगा। कहा गया सच अंडरटेकिंग और इंटरप्राइजेस शुड बी सेट ऑफ इन द नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल। यानी वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, बिहार, आंध्र प्रदेश के अगर नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में अगर कोई अंडरटेकिंग या इंटरप्राइजेस इस्टेब्लिश की जा रही है फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग, तो आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 35% से अलाउड किया जाएगा। कहा गया एसएससी एक्वायर्स एंड इंस्टॉल एनी न्यू मशीनरी और प्लांट अदर देन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट और एसेट रेफर्ड अबव एज नॉन एलिजिबल। मीन्स अगर कोई क्या है, शिप्स है या एयरक्राफ्ट है, कोई ऑफिस अप्लीकेंसी है, ठीक है, कोई ऐसा जो ऐसा प्लांट एंड मशीनरी है कि जो कि ऑफिस में इंस्टॉल किया जा रहा है या गेस्ट हाउस में या रेसिडेंशियल पर्पज में यूज किया जा रहा है, तो उस पर आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो उस पर भी आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कहा गया फॉर सच अंडरटेकिंग और इंटरप्राइज ड्यूरिंग द पीरियड बिगिनिंग ऑन 1 अप्रैल 2015 एंड एंडिंग बिफोर 1 अप्रैल 2020। कहा गया अगर इस बैकवर्ड एरिया में 1/4/2015 से लेकर 1/4/2020 तक के बीच में अगर कोई प्लांट या मशीनरी, न्यू प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल की गई है, तो उस पर आपको 35% के रेट से डिप्रिसिएशन मिलेगा, एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट। ठीक, यहाँ पर कुछ नोट दिया गया है, नोट आइए देख लेते हैं। नोट क्या है, वेयर इफ द एसेट इज एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डे, देन एडिशनल डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 17.5%। ठीक, यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, अगर एसेट लेस देन 180 डे पुट टू यूज की गई है तो कहा गया इस 35% का केवल 50% ही हम उस प्रीवियस ईयर में अलाउड करेंगे, और जो अगला हमारा 50% डिप्रिसिएशन बन जाएगा वो नेक्स्ट फॉलोइंग प्रीवियस ईयर में हम अलाउड कर देंगे एज ए एडिशनल डिप्रिसिएशन। यहाँ पर कुछ एडिशनल पॉइंट है जिन्हें हमको समझना पड़ेगा, क्या दिया गया है आइए देख लेते हैं। कहा गया है टैक्स पॉइंट, एडिशनल डिप्रिसिएशन शैल बी रिड्यूस्ड व्हिल कंप्यूटिंग द क्लोजिंग WDV ऑफ द रिस्पेक्टिव ब्लॉक। यानी एडिशनल डिप्रिसिएशन से हमारा WDV क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। मीन्स कि अगर कोई एसेट है 10 लाख रुपये, इस पर नॉर्मल डिप्रिसिएशन हमने 2 लाख कैलकुलेट किया, ठीक है, तो हमको बचा कितना, अब 8 लाख रुपये, और हमने एडिशनल डिप्रिसिएशन 1 लाख रुपये चार्ज कर लिया, तो अब कितना बैलेंस बचा, 7 लाख रुपये। तो ये अगले ईयर का जो ओपनिंग WDV होगा वो हमारा 7 लाख ही माना जाएगा। आ गया एडिशनल डिप्रिसिएशन इज नॉट अवेलेबल इफ द न्यू प्लांट और मशीनरी इज सोल्ड इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। कहा गया जिस प्रीवियस ईयर में न्यू एसेट एक्वायर्ड की गई है उसी प्रीवियस ईयर में अगर वह एसेट डिस्कॉर्डेड हो जाती है, सोल्ड की दी जाती है, डिमोलिश्ड हो जाती है, तो आपको उस पर ना ही नॉर्मल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा और ना ही आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। थर्ड पॉइंट, कहा गया एडिशनल डिप्रिसिएशन इज नॉट अवेलेबल इफ द पावर यूनिट इज क्लेमिंग डिप्रिसिएशन अंडर SLM मेथड। ठीक है, अगर कोई पावर जनरेटिंग यूनिट है अगर वह डिप्रिसिएशन SLM मेथड से क्लेम करती है
तो उससे एडिशनल डिप्रिसिएशन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, मीन्स उसे एडिशनल डिप्रिसिएशन हम अलाउड नहीं करेंगे। एडिशनल डिप्रिसिएशन केवल व केवल WDV मेथड्स के रिटेन डाउन वैल्यू मेथड के केस में ही अलाउड किया जाएगा पावर जनरेटिंग यूनिट को। यहाँ पर कुछ प्रोविजन दिए गए हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इस इंस्ट्रक्शन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि और अच्छी तरह से हम इस पॉइंट को समझ लेते हैं कि एडिशनल डिप्रिसिएशन क्या है। आ गया सी लिमिटेड ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, इसका मतलब इसे एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा क्योंकि यह मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर का कार्य करती है। आ गया वर्किंग सिंस लास्ट 20 ईयर, 20 ईयर से वह प्रोडक्शन का कार्य कर रही है। दी ब्लॉक प्लांट 15%, उसके पास क्या है प्लांट का, उसके पास एक ब्लॉक ऑफ एसेट है जिस पर 15% के रेट से डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। ये हमारा नॉर्मल दिया गया है, नॉर्मल रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है, ठीक है। WDV मेथड से एज ऑन 1 अप्रैल 2018 10 लाख रुपए का ब्लॉक ऑफ एसेट हमारे पास बचा हुआ है। सब्सिक्वेंटली इट परचेज द फॉलोइंग प्लांट, उसके बाद उसने प्लांट परचेज किया है। बताया गया है प्लांट ए बी सी डी उसने परचेज किया है, डेट ऑफ एक्विजिशन बता दिया गया है 7/4/2018, 7/12/2018, 5/5/2019 और 6/12/2018। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बता दिया गया है कि 6 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हमारा सेम है, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पहले क्या लिख लेते हैं, क्या हमें कंप्यूट करना है। प्लांट बी इंस्टॉलेड ऑन 7/5/2019, 7/5/2019 को 7 प्लांट बी है जो इंस्टॉल किया गया है, यानी नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में यह इंस्टॉल किया गया है। कहा गया कंप्यूट एडिशनल डिप्रिसिएशन, हमें एडिशनल डिप्रिसिएशन कंप्यूट करना है, कोई बात नहीं। कहा गया पहले हमारे पास WDV एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कितना है 10 लाख रुपए का हमारे पास WDV बचा हुआ है। ए प्रीवियस ईयर, किस ईयर की बात हम कर रहे हैं, 1/4/2018 में से प्रीवियस ईयर 18/19 की बात हो रही है। प्रीवियस ईयर 18/19 के वर्ष के प्रारंभ में आपको पास 10 लाख रुपए का WDV बचा हुआ है और हमने फिर उसके बाद परचेज किया है। क्या परचेज किया है? प्लांट ए परचेज किया है 7/4/2018 को परचेज किया है, 7 अप्रैल 2018 को, और प्लांट बी हमने 7/12/2018 को क्या किया है, परचेज किया है। लेकिन यहां पर आपको पता होना चाहिए कि अभी यह प्लांट इंस्टॉल नहीं किया है, जब तक यह पुट टू यूज नहीं हो जाएगा, रेडी टू यूज नहीं हो जाएगा, मीन्स अभी इंस्टॉल नहीं है, मीन्स अभी किसी प्लांट को इंस्टॉल नहीं किया गया है, सिर्फ परचेज किया है, मीन्स इसका मतलब कि वह रेडी टू यूज अभी नहीं है। तब रेडी टू यूज नहीं है तो अभी उस पर हम डिप्रिसिएशन का बेनिफिट भी नहीं देंगे। कहा गया लेकिन प्लांट सी जो है वो नेक्स्ट 19 मतलब 19/20 प्रीवियस ईयर का केस हमारा है, और प्लांट डी इस 6/12/2018 को परचेज किया है या 18/19 का यह है प्रीवियस ईयर 18/19 में हम डिप्रिसिएशन इस पर चार्ज करेंगे, इस पर डिप्रिसिएशन हम 19/20 में चार्ज करेंगे, इस पर भी हम 19/20 में चार्ज करेंगे, और इस पर हम 18/19 में डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ओके, तो हम एड कर लेते हैं जो कि एड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एसएससी कितने का है देख लेते हैं। पहला हमारा प्लांट ए है 6 लाख रुपए का और प्लांट डी है 1 लाख रुपए का। प्लांट ए हमारा, प्लांट बी 6 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, हमें 17 लाख पर डिप्रिसिएशन चार्ज
करना है। अब डिप्रिसिएशन, इसमें से कोई ऐसा सोल्ड तो किया नहीं गया है, ले सेल्फ प्रोसीड हम लिखते हैं प्रोसीड्स, तो यहां पर नील है ठीक है। तो हमारा 17 लाख रुपया बचा क्या हुआ, WDV है, इस पर हमको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों को एक चीज याद रखना होगा, क्या रखना होगा यार, फ्रेंड्स हमारे पास WDV कितना आ गया, इस पर हमें डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है ठीक है। इस बैलेंस पर हमें डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, इस पर हम नॉर्मल डिप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करेंगे और एडिशनल डिप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करेंगे। तो कहा गया पहले हम नॉर्मल डिप्रिसिएशन देख लेते हैं ठीक है, नॉर्मल डिप्रिसिएशन देख लेते हैं। कहा गया जो 10 लाख रुपए एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो बिगिनिंग बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर 10 लाख रुपीज था, इस पर हम 15% के रेट से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1,50,000 रुपये इस पर हमारा आ गया डिप्रिसिएशन। फिर इसके बाद जो न्यू मशीनरी खरीदी गई है, न्यू मशीनरी पर, न्यू प्लांट पर हम नॉर्मल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं एट द रेट ऑफ 15%। तो कहा गया जो पहला एसेट है वो तो खरीदा गया है 7 अप्रैल 2018 को ही, यानी वह 180 दिन से एसेट अधिक यूज की गई है ओके। तो इस पर हम होल ईयर का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी ये 6 लाख रुपीज पर हम एट द रेट ऑफ 15% के रेट से नॉर्मल डिप्रिसिएशन हमारा कितना हो जाएगा 90,000 रुपीज। और प्लांट ई, प्लांट कितना है, प्लांट ए, और प्लांट बी की जब हम बात करते हैं तो प्लांट बी के बारे में बताया गया कि यह एसेट तो प्रीवियस ईयर 18-19 में यूज की ही नहीं गई है, तो इस पर एडिशनल डिप्रिसिएशन ना ही नॉर्मल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। अब प्लांट सी की बात करते हैं तो यह 5/5/2019 को परचेज की गई है, तो प्रीवियस ईयर 18-19 से तो इसका कोई मतलब है नहीं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब प्लांट डी हमारा परचेज किया गया है 6/12/2018, यानी 6 दिसंबर को यह परचेज किया गया है, तो दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च, यानी हमारी यह एसेट जो है 180 डे से कम यूज की गई है, तो इस पर हमारा जो हो जाएगा प्लांट डी 1 लाख रुपये ठीक है। तो नॉर्मल रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हमारा कितना हो जाएगा 15% का हमारा 50% ले लेंगे, यानी 7.5% के रेट से, तो हमारा हो जाएगा 7,500 रुपये हमारा डिप्रिसिएशन इसका हो जाएगा। ये हमारा नॉर्मल डिप्रिसिएशन हो गया। अब हम बात करते हैं एडिशनल डिप्रिसिएशन की, तो ओल्ड मशीनरी पर तो हमें एडिशनल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है नहीं, तो प्लांट ए, प्लांट ए हमारी होल ईयर यूज की गई है ठीक है। तो प्लांट, अगर प्लांट ए की हम बात करते हैं तो कहा गया 6 लाख रुपीज पर हम क्या करेंगे एट द रेट ऑफ 20% के रेट से, 20% या 35%, दो रेट हमारे, दो रेट ऑफ एडिशनल डिप्रिसिएशन है, लेकिन कहा गया नॉर्मल केस में 20%, लेकिन नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया के केस में 35% का एडिशनल डिप्रिसिएशन अलाउड होगा। तो यहां पर नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया हमको नहीं दिया गया है, तो हम नॉर्मल रेट से ही डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1,20,000 रुपये। और बात करते हैं प्लांट बी की, तो प्लांट बी जो हमारा यूज किया गया है वो 180 डे से कम यूज किया गया है, तो इस पर हमारा हो जाएगा 20% का 50% कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 20% का 50% तो 10%, तो ये हमारा 10,000 एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ये टोटल डिप्रिसिएशन कितना आ गया आप कैलकुलेट कर लीजिए, फ्रेंड्स हमारे पास टोटल डिप्रिसिएशन, नॉर्मल डिप्रिसिएशन हमारे पास 2,47,000 का आया ठीक है। और फिर इसके बाद और हमारे पास 1,30,000 रुपये क्या आया एडिशनल डिप्रिसिएशन, दोनों को मिलाकर 3,77,500 रुपये का डिप्रिसिएशन आया, और 17,000 रुपये हमारा क्या है WDV था, कि इसमें से अगर हम 17 लाख में से हम लेस कर देते हैं, क्या लेस करते हैं 3,77,000 ठीक है, 3,77,500 रुपये, तो हमारे पास
13,22,500 रुपये WDV का आया, 22,500 रुपये। ये हमारा क्या है WDV एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर 2018-19। अब हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर 2019-20 की हम बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा ओपनिंग WDV कितना हो जाएगा, ओपनिंग WDV हमारा हो जाएगा 13,22,500 रुपये, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए इसमें फिर अब हम ऐड क्या करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट जो कि प्रीवियस ईयर 1920 में एक्वायर्ड किया गया है। तो कहा गया यह प्लांट बी एंड प्लांट सी प्रीवियस ईयर 1920 में एक्वायर्ड किया गया है एंड पुट टू यूज किया गया है, ठीक। तो हम प्लांट बी एंड प्लांट सी को यहां लिख लेते हैं, प्लांट बी एंड प्लांट सी कितना है, उसकी प्राइस क्या है, दोनों की कहा गया प्राइस है हमारा 2,00,000 एंड 2,50,000 रुपये, 2,00,000 एंड 2,50,000 रुपये। अब एड कर दिए, टोटल कितना बैलेंस हमारा आ गया, सत्रह लाख 72,500, ठीक। अब हमें लेस क्या करना है, सेल प्रोसीड। तो सेल तो कुछ किया नहीं गया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, नील। तो WDV हमें मिल गया फॉर द पर्पज ऑफ डिप्रिसिएशन, जिस पर हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने वाले हैं। अब नॉर्मल डिप्रिसिएशन पहले हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नॉर्मल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं किस तरह से करेंगे, कहा गया कि जो यह प्राइस थी 3,22,500, इस पर हम नॉर्मल रेट से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 15%, 50 50, ठीक है। 13,22,500 पर एट द रेट ऑफ 15% से पूरे ईयर का कितना हो जाएगा, 1,98,375 रुपये। अब एडिशनल डिप्रिसिएशन की बात आती, सॉरी अभी नॉर्मल डिप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं प्लांट ए एंड प्लांट बी का, ठीक। तो प्लांट सी देखते हैं कितने दिन यूज किया गया है यह प्लांट, ठीक, प्रीवियस 1920 में। तो देख रहे हैं प्लांट बी 7/12/2018 को यह क्या किया था, एक्वायर किया गया था, लेकिन स्टार कब किया गया है, 7/5/2019 यानी मई में, 7 मई 2019 को ही यह यूज कर लिया गया है। तो प्रीवियस ईयर 1920 में वह यह 180 डे से अधिक यूज किया गया है। और प्लांट सी की बात करते हैं तो यह भी 5/5/2019 को ही यूज कर लिया गया है, इसका मतलब ये 180 डे से अधिक ही यूज किया गया है, ठीक। तो 2,50,000 इस पर भी एट द रेट ऑफ 20% से एडिशनल डिप्रिसिएशन अलाउड, सॉरी नॉर्मल डिप्रिसिएशन हमारा कितना है 15%, इस पर भी 15% अलाउड हो जाएगा, इस पर भी 15% अलाउड कर दिया जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 15 × 30,000 और 15 × 30, 15 × 30, 15 × 75, 75, 37,500, ओके। ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल डिप्रिसिएशन। अब अगर एडिशनल डिप्रिसिएशन की हम बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बात करने जा रहे हैं, आप लोग देखिएगा,
प्लांट ए पर आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन अलाउड किया जाएगा, कितना किया किया जाएगा, हमने प्रीवियस ईयर में माने प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 20% अलाउड कर दिया, तो अब आपको प्लांट ए पर एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, ठीक। और अब बात करते हैं प्लांट बी की, प्लांट बी की, तो प्लांट बी भी कितना है, ए वन ईयर यूज किया गया है, तो इस पर हमारा कितना हो जाएगा 20% के रेट से, 2 लाख पर 20% के रेट से हम एडिशनल डिप्रिसिएशन जब अलाउड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 40,000 रुपये, ओके। और फिर इसी तरह अब हम प्लांट सी की बात करते हैं, प्लांट सी भी 180 डे से अधिक यूज किया गया है, तो इस पर भी क्या करते हैं 20% अलाउड कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 50,000 रुपये। लेकिन प्लांट बी का अभी बचा हुआ है, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर 18-19 में केवल वह केवल कितना अलाउड किया था एडिशनल डिप्रिसिएशन, इसका 50%, तो अब आपको 10,000 रुपये का अभी और दिया जाएगा प्लांट डी का डिडक्शन, सर यहां प्लांट डी लिख देते हैं, प्लांट डी कितना हो जाएगा, अब वही प्लांट डी हमारा कितना था 1 लाख रुपये था, तो 1 लाख रुपीज पर आपको अभी मिलेगा कितना 10%, तो हो जाएगा हमारा 10,000 रुपये, 90, 1 लाख हमारा एडिशनल डिप्रिसिएशन आ गया, और ये हमारा आ गया 5,785,562, ठीक है। आप इन दोनों को लेस कर देंगे तो आपको क्लोजिंग डब्ल्यू डी भी मिल जाएगा, जो कि नेक्स्ट प्रीवियस ईयर 2021 का बैलेंस हमारा हो जाएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स हम यहीं तक डिस्कस करते हैं, अगले वीडियो लेक्चर में हम आगे के पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आप लोगों की कोई क्वेरी होती है तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, हम उसका रिप्लाई करेंगे, अवश्य करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।